हेलो गाइस, कैसे हो आप सब दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में, इसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज फ्रेंड्स, हम स्टूडियो में SSGD के एग्जाम के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पे दिया गया है और दोस्तों आपकी एग्जाम डेट क्या रह सकती है, ठीक है। हम सारे इस वीडियो में सारे डिस्कस करेंगे दोस्तों, इस वीडियो में बने रहेगा। आपका ज्यादा समय ना लेते वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना गूगल ओन कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। आपको दोस्तों सबसे पहले आपको फिलअप करना है यहाँ पे ssc.nic.in। आपको दोस्तों SSC वाली साइट ओपन कर लेनी है, ऑफिशियल साइट है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों, जो साइट देख रहे हैं SSC की गवर्नमेंट साइट है, ठीक है, ऑफिशियल साइट है। तो फ्रेंड्स, ऊपर देखिए होम नोटिस अप्लाई एडमिट कार्ड। आपको सबसे पहले एडमिट कार्ड पर क्लिक कर देना है। तो मैं एडमिट कार्ड पर क्लिक कर रहा हूँ अभी। तो फ्रेंड्स, आप एडमिट कार्ड पर क्लिक कर लेते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड मे बी डाउनलोड फ्रॉम द फॉलोइंग रीजनल वेबसाइट, ठीक है। फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूँ, अब जो अभी हाल ही में एडमिट कार्ड आए हुए हैं, ठीक है, जो आप टाइम और डेट आपका दिखाया गया दोस्तों, सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे साउथ रीजन, जो भी फ्रेंड्स चेन्नई तमिलनाडु से हैं, ठीक है, उनके लिए आए हुए हैं। अपना वो एग्जाम सेंटर चेक कर सकते हैं और दोस्तों आपका पेपर कौन सी जगह पे है वो भी चेक कर सकते हैं और एग्जाम डेट के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। और फिर नीचे आइए, फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, दोस्तों जो भी चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं, चंडीगढ़ एरिया से दोस्तों, ठीक है, जो भी वहाँ से हैं दोस्तों, वो भी अपना चेक कर सकते हैं कि आप एग्जाम डेट कहाँ क्या है और दोस्तों आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पे दिया गया, आप सब कुछ चेक कर पाएंगे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे साउथ रीजन, मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ साउथ रीजन पे। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लिक करने के बाद देख रहे हैं कॉन्स्टेबल GD इन सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेज CAPF NIA SSF राइफल GD इन SM राइफल AR एग्जामिनेशन। दोस्तों, अगर आपको अपना एग्जाम सेंटर मतलब एग्जाम स्टेटस जानना है कि आप एग्जाम में रिजेक्ट है या अच्छा मतलब किस कंडीशन में, तो आप यहाँ पे नो योर एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, अगर आपको अपने नो योर रोल नंबर टाइम डेट सिटी जाननी है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे नो योर रोल नंबर। तो मैं यहाँ पे नो योर रोल नंबर पे क्लिक कर लेता हूँ। जब यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर 11 डिजिट नंबर। फ्रेंड्स, आपने फॉर्म फिलअप किया था ना, जब उस टाइम दोस्तों आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो 11 डिजिट का होगा, ठीक है। अपना आप देख रहे हैं कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, आपको अपनी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लेनी है। तो दोस्तों, मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे देखें यहाँ पे 5 लेटर्स ऑफ कैंडिडेट नेम, आपको अपना नाम डाल देना है यहाँ पे। तो मैं अपना नाम डाल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। नीचे देखिए डेट ऑफ बर्थ, आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिलअप करके दिखा देता हूँ आपको। इतना फिलअप करने के बाद दोस्तों, आप नीचे देखिए नो योर रोल नंबर टाइम डेट एंड सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं रोल नंबर दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। नेम ऑफ कैंडिडेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी दोस्तों। और दोस्तों, आपका फादर नेम भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका ये दिया गया है, ठीक है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपकी ये दी गई है फ्रेंड्स, ठीक है, 15/2/2019 में आपका पेपर होना है, ठीक है। एग्जाम टाइम दोस्तों 4 से 5 बजे तक। दोस्तों, आपका जो पेपर होगा दोस्तों, कम से कम 1.5 घंटे का पेपर है, ठीक है, 1 घंटा 30 मिनट का, ठीक है। सिटी ऑफ एग्जाम गुंटूर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप अपना एडमिट कार्ड चेक कर पाएंगे, आपका एग्जाम डेट क्या दी गई है, आपका सेंटर कहाँ पे है, ठीक है, आपका पेपर कौन सी जगह पे होना है, आप सब कुछ चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, अब मैं बता दूँ आपको, जो भी फ्रेंड्स साउथ से हैं, ठीक है, तमिलनाडु चेन्नई से फ्रेंड्स, अभी उनका आया है, ठीक है। अदरवाइज आप कोशिश कर रहे हैं, आपको एरर शो होगा, तो दोस्तों एरर को देख के आपको घबराना नहीं है उस एरर को, ठीक है। तो आप सोच रहे हो कि मेरा निकलने क्यों नहीं रहा है, तो दोस्तों आप जिस जोन से बिलोंग करते हैं आपको उस जोन पे क्लिक कर लेना है और आपको तभी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और फ्रेंड्स, आपको दिन में कम से कम 5 से 6 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी दोस्तों, तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा, ठीक है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, जो भी लोग मतलब स्टडी कर रहे हैं अभी फ्रेंड्स, एक बुक आती है हरियंत की, ठीक है, आपको वो बुक रिवाइज करनी है, उसमें प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं और दोस्तों पूरा सिलेबस दिया गया है आपको। आप दोस्तों कम से कम 5 या 6 घंटे रोज स्टडी करें, आपका एग्जाम 100% होगा दोस्तों, ठीक है। और फ्रेंड्स, और दोस्तों, अगर आपको इससे रिलेटेड मुझसे कोई भी न्यूज़ चाहिए हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको अपना एडमिट कार्ड के बारे में जानने में कुछ प्रॉब्लम शो हो रही है, तो आप मुझे कमेंट करें फ्रेंड्स, मैं आपका जवाब पक्का दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही था। तो फ्रेंड, मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।